अब नोट्स पढ़ लिया पूरा, लो इतना सा पढ़ लिया, अब उसको उठाए तो पता चला कि यार ये तो बोरिंग है, ये तो बुक के जैसा है। कुछ जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं आप देखोगे, मोस्टली उनकी बुक उठाकर देखोगे तो लगेगा जैसे कि वो पढ़े ही नहीं है, उसके साथ मजाक किए हैं। 98 से 99% लाना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 100% पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो तब तो हो सकता है पूरे दिन लग जाए, तब भी नहीं आएगा, और पता चलेगा 3 घंटे का टाइम क्या हो गया, ऐसे ही बर्बाद करके चले आए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब की पढ़ाई जो है ना वो सुपर्ब चल रही होगी। लेकिन आज का जो वीडियो मैं बनाया हूं वो केवल और केवल आपके लिए। क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सभी लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन साइंस को अपने अंदर जो है वो कुछ ही लोग ला पाते हैं। लेकिन आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, लास्ट तक बने रहना, मेरी गारंटी है कि आप साइंस में 100 out of 100 जो है वो आज आप पाकर रहोगे, बस लास्ट तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके सामने बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा भाई कि टिप्स एंड ट्रिक्स टू सी फुल मार्क्स इन साइंस, साइंस में फुल मार्क्स कैसे लेकर आए, क्योंकि सभी बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है यार साइंस तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें रिएक्शन भी आता है, एग्जाम्पल्स भी आते हैं, डायग्राम भी आता है, सारी चीजें आती है, इतना बड़ा सा सिलेबस आखिर पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर क्या होता है ये डाउट बना रहता है। आज वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे, और एकदम वेल मेंटेन की तरह से आप नोट्स बनाओ, पीडीएफ देखो, एक्सरसाइज करो, सॉल्यूशन करो, बुक्स रीडिंग करना है वो करो, पेपर सॉल्व करना है वो करो, कैसे करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला जो आता है प्लान वो क्या है कि प्लान योर सिलेबस, सबसे पहले कि आपके बोर्ड एग्जाम या हाफ ईयरली में कौन सा सिलेबस ऐसा है जो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है, कौन सा चैप्टर और किस चैप्टर से कितने ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपके 13 चैप्टर आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं भाई? 13 चैप्टर आएंगे, और 13 चैप्टर में हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स मिलेंगे वो चीजें हमें बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर हमें मार्क्स का कैलकुलेशन पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हाँ चलो अब चैप्टर फर्स्ट, अगर मान लो कि लेट अस सपोज दैट चैप्टर 4 से मान लो कि 3 या 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो अब आपको 3 या 4 मार्क्स आपको इसमें से एक नंबर को भी नहीं जाने देना, क्योंकि आप टारगेट बनाओ, यू हैव टू गिव योर परफेक्ट नॉलेज इन योर सिलेबस, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि अगर 3 से 4 मार्क्स हमें लेना है तो सबसे पहले तो सिलेबस का प्लान तो बना लो भाई, मतलब चैप्टर दे दिया गया तो आप सोचो कि कहीं से भी पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पुट अप किए गए और कहां से आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, आपको करना है अकॉर्डिंग टू किसके सिलेबस। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को देखोगे तो सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, आखिर ये आया कहां से, ठीक है। सबके मन में डाउट होता है, ऐसा मत सोचना कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि आप पढ़ तो लेते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़े हो क्या, क्लास में पढ़े होगे या ट्यूशन में या ऑनलाइन क्लासेस कहीं आप जरूर पढ़े होगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सिलेबस के लिए बी प्रिपेयर्ड, सबसे पहले सिलेबस देख लो कि भाई हमारा 13 चैप्टर आ रहा है कि 12 चैप्टर आ रहा है, कहां से कहां तक आ रहा है, उसको प्लान बना लो। सबसे पहला प्लान इसी पर करना है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या आता है, ऑलवेज फोकस ऑन टॉप वंस, सही बात है भाई। अब आप सिलेबस तो पढ़ोगे, अब साथ में ये समझ में आएगा कि यार ये तो लग रहा है कि टॉपिक कुछ ज्यादा ही हार्ड है ना,
क्योंकि ये तो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसके बारे में कैसे पढ़ा जाए कि हाँ आने वाले टाइम पे हमें अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बस ऐसे ऐसे करके इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो सबसे पहले ऑलवेज फोकस ऑन टफ वंस, यानी जो चीजें आपके लिए इजी है तो वो तो आप सोए भी रहोगे तब भी कोई पूछेगा यार ठीक है ये होगा ठीक है बता दिए सब चीज, लेकिन जो टफ वंस होता है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर हो सकता है कि दो नंबर उसी टफ वाले में से आपसे क्या हो गया है पूछ लिया जाए, तो आपको पहले से ही होता है ना कि लड़ाई लड़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होने चाहिए, वो कहां से अटैक करेगा किस प्रकार से करने वाला है, तो उस प्रकार का हम इंस्ट्रूमेंट्स लेकर मैदान में उतरेंगे। तो सबसे पहले जो भी टफ वंस होता है उसको हमें पहले ही एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, जो सबसे हार्ड है ठीक है, टफ वंस को देखना है। यानी रूल नंबर टू ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना सभी लोग कि बिना टफ वंस के अगर हम कहीं भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली देने जा रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर्स अगर पूछ लिया कि ये बताओ कि ऐसा क्या होगा, तो आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये इतना हार्ड क्वेश्चन कहां से आ गया। बस हार्ड नहीं होता, उसको आपने पढ़ा नहीं था, अगर शायद पढ़ा होता तो आपको टफ नहीं लगता। समझ में आ रही है? चलो अब रूल नंबर हम थ्री पे चलते हैं बिना लेट किए हुए, ठीक है। तो रूल नंबर थ्री जो है वो क्या आता है, मेक नोट्स एंड राइट फार्मूलास। यानी कि अगर कोई भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए सबसे पहला चीज होता है नोट्स बनाना। बिना नोट्स के आप कोई भी सलूशन नहीं कर सकते और न ही आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। तो सबसे पहला आपको प्रायोरिटी देना है, किसी भी चीज को पढ़ो तो ऐसी जगह पे राइट डाउन करो कि हाँ जैसे ही दिमाग वहां पर जाए यार ये तो पढ़ा था, इसका सलूशन ऐसा हो। अब कुछ लोग तो होते हैं सोचते हैं कि सर नोट्स बनाए कैसे, है ना, अब नोट्स पढ़ लिया पूरा, लो इतना सा पढ़ लिया, अब उसको उठाए तो पता चला कि यार ये तो बोरिंग है, ये तो बुक के जैसा है, तो नोट्स कहां से हुआ। नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप देखोगे तुरंत दिमाग में आ जाए यार ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, समझ, उसको बोलते हैं नोट्स। इतना नहीं है कि पूरा बोर्ड पढ़ा डाला और बाद में पता चला कि कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं। हमें पढ़ना है एक या दो लाइन और पूरे कॉन्सेप्ट को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तब तो फिर अपने क्या है, बल्ले बल्ले हैं फिर तब तो। तो सबसे पहले क्या रखना है आपको, नोट्स लिखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है भाई, केमिस्ट्री में आप देखोगे, फिजिक्स में देखोगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, फार्मूलास मिलेंगे, ठीक है, फार्मूला मिलने वाला है। अब उस फार्मूला को आपको जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही पेज पर लिख लो इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी चैप्टर पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले कदम पर वही खड़ा रहेगा, जैसे सैनिक लोग होते हैं ना गेट के सामने खड़े रहते हैं, भाई मैं तो सामने खड़ा हूं, तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहला क्या खड़ा रहेगा भाई, फार्मूला खड़ा रहेगा। अगर उसको देख लिया तो आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अगर कोई भी सोल्यूशन भी करोगे तब भी तो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, तुरंत आप ओपन करोगे फार्मूला को और देख लोगे, तो आप इजिली जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्टेप नंबर क्या था भाई, थ्री, यानी आपको नोट्स नीट एंड क्लीन बनाने हैं। अगर नीट एंड क्लीन बनाओगे तो जब भी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में तो नोट्स भी उठाओगे ना तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, यार ये चीजें तो हमसे मिस हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जो दिया है वो है क्या, अटेम्प्ट प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, यानी आपको पिछले 10 साल का जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईएमपी, ठीक है। अब कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आता कि हमने
10 ईयर्स का सैंपल पेपर कर लिया, ठीक है, चलो मान लेता हूं सैंपल पेपर पूरा सॉल्व कर डाले हूं, ठीक है, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे रहता है, आप ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर 10 साल से जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है आखिर वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है या उससे रिलेटेड आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हर साल आप देखोगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन आप क्या करोगे, आप पूरी नॉलेज लेकर जा रहे हो, जब पूरी नॉलेज लेकर जाओगे तो जैसे लेटेस्ट सपोज दैट मैं एग्जांपल समझाता हूं कि भाई अगर ये बॉक्स है, बॉक्स में अगर पानी फिलअप वाटर फिलअप किए हैं तो ये पूरा है, पूरा बॉक्स है, अब इतनी अगर नॉलेज लेकर जाओगे तो कोई यहां से भी पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, कहीं से भी पूछे, तो आप सोल्यूशन कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। तो ये नहीं जरूरी है कि आप पूरा 10 से 12 सैंपल पेपर पढ़ डाले, जरूरी ये है कि हर साल आपको चेक करना है कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पहली बात, दूसरी बात किस चैप्टर से क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जा रहा है, वो चीजें, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, और तीसरा देखना है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है टफ वंस है जो आज तक हमने अभी तक नहीं क्लासेस में और नहीं स्कूल में पढ़ा है, अगर वो चीजें देख लोगे तो समझ जाओ कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अटेम्प्ट प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, आपको एग्जाम के पहले 10 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, अब आता है क्या, डोंट टेक स्ट्रेस। अब तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता रहेगा कि इतनी पढ़ाई तो कर लिए, कभी कभी होता है भाई, मेरे अंदर भी टेंशन होता है, आपके अंदर भी टेंशन होता है कि इतनी सारी पढ़ाई तो कर लिया लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ पढ़ा क्या हमने, क्यों, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग को अलग 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 डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, डाइवर्ट कर दे रहे हो। तो आपको एजुकेशन के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लोगे तो आपकी जितनी भी पढ़ाई रहेगी, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, सब एक एक करके फॉरगेट करते चले जाओगे। इसके लिए आपको अपने माइंड को पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है, जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे उतने अच्छे मार्क्स और उतनी अच्छी नॉलेज आप अचीव कर सकते हो। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ भी हो जाए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा सा सिलेबस है, इसको कैसे करूंगा, नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, नंबर उनको छोड़ो, हमें क्या करना है वो चीजें ध्यान देना है, लोगों का क्या है, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना और स्ट्रेस भी नहीं लेना। बी कूल, बी पोटेंशियल, तब आप देखोगे कि हाँ आप जो है अब जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो आपके लिए क्या है, एकदम राइट वे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि भाई कुछ भी हो जाए स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, वाव ये तो सुपर्ब है, ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब घर में पढ़ाई करते हो, ठीक है, कोचिंग में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो बोलते हो कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है आखिर क्या करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को लेकर सभी बच्चे क्या होते हैं, सब लोगों के अंदर ये दिमाग में होता है कि सर टाइम तो बच ही नहीं रहा, पढ़े कब, ये तो एक बहाना हो गया कि आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। सबसे पहले टाइम को मैनेज तो करो, पकड़ के रखो, जाएगा कहां, वो तो अपने राइट टाइम पे चल रहा है, लेकिन हमें उसको क्या करना, पकड़ के खींच कर लाना है कि भाई तुम जा कहां रहा है, आ जा मेरे पास पहले। तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे लेट अस सपोज दैट कि अगर स्कूल से आने के बाद कोचिंग क्लासेस लेते हो तो मुझे लगता है कि सभी लोग अप्रोक्सीमेटली 7 PM पर जो होते हो वो फ्री हो जाते होंगे, है ना, 7 बजे तक फ्री हो जाते हो। तो अब आप देखो कि आपका जो सोने का टाइम है, सोने का टाइम, ठीक है, इसके बाद जो उठने का टाइम है, क्योंकि आपको यह समझ में आती है भाई कि आपको 6 से 8 घंटे नींद भी लेना है, क्योंकि 6 से 8 घंटे आप नींद नहीं लोगे
तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। आपको 6 घंटे चाहिए ही चाहिए मैक्सिमम में जाते हो, जो सोने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हाँ यार मुझे सोना ही है, 8 घंटे से कम सोऊंगा, ज्यादा भी सो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 6 घंटे सोना ही है, मैक्सिमम में जा रहे हो तो 8 घंटे, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप चेक कर लो कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं। मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, SS, लो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, साइंस है, मैथ है, SS, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये भी 100 मार्क्स का देगा, ये भी 100 देगा, ये भी 100 देगा, ये भी 100 देगा, अब ये भी 100 देगा। कुछ बच्चों के अंदर होगा हाँ मैथ तो आता है हमें, साइंस भी आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाता है, लेकिन SS और हिंदी नहीं आता। अब SS हिंदी पर ध्यान देना है। अब ध्यान देने के लिए करोगे क्या भाई, क्योंकि 100 मार्क्स तो ये भी है, यानी 5 सब्जेक्ट में मार्क्स तो आपको इक्वल मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा किसी में कम मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इक्वल मार्क्स अचीव करने के लिए हमें इक्वल एफर्ट्स हर एक सब्जेक्ट में देना है, हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे क्या हो, SS हो, हमें अपना टाइम मैनेज करके सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। अगर ये पढ़ लेते हो तो समय की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 7th नंबर पे आता है क्या, मस्ट डू NCERT एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। कुछ जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं आप देखोगे, मोस्टली उनकी बुक उठाकर देखोगे तो लगेगा जैसे कि वो पढ़े ही नहीं है, उसके साथ मजाक किए हैं, क्योंकि उनके भी देखोगे हर एक पॉइंट पे अंडरलाइन रहेगा, सर्कल रहेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहेगा। क्यों बना रहता है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट्स को क्लियर करके चलते हैं। जब हर एक पॉइंट्स को क्लियर करके चलोगे ना, तो आपके मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आने वाला नहीं है। यानी आपको NCERT एक्सरसाइज ये समझ लेना कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी 98 से 99% लाना है, तो उसके लिए आपको NCERT एक्सरसाइज 100% पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 100% एक्सरसाइज नहीं पढ़ते हो, तब आपके देखते हो कि कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था क्या, ये क्वेश्चन आया कहां से, आखिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप NCERT की एक्सरसाइज उठाकर देखो, क्योंकि वो जो आप पढ़ते हो उससे थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो याद रखना NCERT एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्लस उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सभी एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ो, समझो, सॉल्व करो, तब उसके बारे में आपको क्या मिलेगा कि हाँ अब ये मैं कर सकता हूं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा और दिमाग से हटा दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना है। आपको NCERT एक्सरसाइज के साथ साथ क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स में ये पूछ ले भाई, एक ही एक्सरसाइज उठाकर दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया जो आपके बुक में दिया। अब अगर पढ़े रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 मिनट ज्यादा लगेगा करने में, हो गया। लेकिन नहीं पढ़े होगे तो तब तो हो सकता है पूरे दिन लग जाए, तब भी नहीं आएगा, और पता चलेगा 3 घंटे का टाइम क्या हो गया, ऐसे ही बर्बाद करके चले आए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स ये दोनों मस्ट है, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिविजन स्टेप बाय स्टेप, ये लास्ट पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे कि जितनी सारी चीजें हमने स्टडी किया है, जितना भी नॉलेज लिया है, तो क्या वो हमारे लिए सही है। लेकिन अब ये मुझे बताओ कि जब कोई भी काम करते हो तो सिस्टमैटिक तरीके से करते हो कि ऐसे ही उठाया कहीं से भी पढ़ डाला, चलो ये ठीक है ये हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली 20 से 30% लोग बच्चे जो होते हैं वो यही करते हैं, वो कुछ भी पढ़ के चले आते हैं, चैप्टर उठाया मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ा नहीं, पता चला चलो चैप्टर 1 देख लिया, हो सकता है याद है, चलो चैप्टर 5 पे चलते हैं, चैप्टर 5 पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर 3 पढ़ लिया, फिर चैप्टर 12 पढ़ लिया, भाई ये कौन सी स्टडी है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि
आपको क्या करना है, प्लान करके स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। जैसे मान लो ये भाई आपका गोल है, क्या है गोल, ये वन से लेकर यहां पर आप देखो तो थाउजेंड्स सीढ़ियां लगी हुई हैं। अब आप कहोगे सर मैं जंप करूंगा, पहले फाइव पे आ जाऊंगा, फिर टेन पे आ जाऊंगा, फिफ्टी, फिर थाउजेंड पे पहुंच जाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके चलना है। क्या करना है, एक एक करके चलोगे तो जाहिर सी बात है एक दिन जरूर 1000 सीढ़ी आप चढ़ जाओगे और आप अपने गोल को क्या करोगे, अचीव करोगे। तो जितनी भी नॉलेज आप ले रहे हो तो एक चीज याद रखना, बिना स्टेप बाय स्टेप आप उसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता उसके अलावा आपका, आपको इतना करना ही पड़ेगा। और हर एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, फिर देखो आपका माइंड किस प्रकार से डाइवर्ट होता है और किस प्रकार से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही है और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए एग्जांपल्स और नए तरीके से। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।